बद्दी में लाखों की धोखाधड़ी के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 9/10/2019 को जैन ट्रेडिंग कंपनी साई रोड बद्दी जिला सोलन हिमाचल प्रदेश ने थाना बद्दी में शिकायत दर्ज करवाई कि उन्हें किसी इंश्योरेंस एजेंट का फोन आया और बोला कि आपका 17,62,611 रुपए आया है, जिस पर उसने धोखाधड़ी से उसको जीएसटी और सिक्योरिटी इत्यादि के नाम पर उनसे तकरीबन 12 लाख रुपए धोखे से अपने खाते में जमा करवा लिए, जिस पर बद्दी थाने में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें पहला नुसाद पुत्र गरीबुद्दीन निवासी मलकोली जिला देवरिया उत्तर प्रदेश, दूसरा संजय सिंह गंगावर पुत्र मोतीराम गंगावर निवासी पादपुरी तहसील विलासपुर जिला रामपुर उत्तर प्रदेश, और तीसरा मान सिंह पुत्र शैतान सिंह गांव व डाकघर मौजपुर जिला अलवर राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया जारी है। मामले की पुष्टि करते हुए एएसपी बद्दी एनके शर्मा ने बताया कि 9 अक्टूबर को बद्दी थाने में जैन ट्रेडिंग कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया गया था, जिस पर एसएचओ बद्दी लखवीर सिंह की टीम ने 3 आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार किया है और उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आरोपियों का रिमांड हासिल कर उनसे आगामी पूछताछ की जाएगी। हमने इस मामले में 3 व्यक्तियों को, जिसमें नौशाद निवासी नोएडा, संजय निवासी गाजियाबाद और मानसिंह निवासी बल्लभगढ़ हरियाणा, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग दुकानदारों को, ट्रेडर्सों को LIC या इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट बनाकर उनसे पैसे ऐंठते थे और हमारे पास एक जैन ट्रेडिंग कंपनी साई रोड बद्दी की ओर से एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान हमने इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 3 लोगों को आज अदालत में पेश किया जा रहा है और अदालत से इनके लिए पुलिस रिमांड के लिए निवेदन किया जाएगा और इनसे कड़ी पूछताछ की जाएगी कि इन लोगों के अतिरिक्त इन्होंने किन किन लोगों को शिकार बनाया है। अभी तक इनसे कोई भी पैसा बरामद नहीं हुआ है। हम भरसक प्रयत्न करेंगे कि ये पूरा का पूरा पैसा इसमें इनसे बरामद किया जा सके। ये भी 12 लाख रुपये के करीब का फ्रॉड था और ये कोशिश की जाएगी कि इनसे पूरा पैसा जो है वसूल कर दिया जाए। इलाका वासियों को तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई इनके पास किसी भी प्रकार की कोई कॉल आती है तो उस कॉल को बिना वेरीफाई के उसके ऊपर कोई भी एक्शन ना लें। जैसे कोई आपका OTP नंबर मांगता है, आपका बैंक अकाउंट का नंबर मांगता है, पैन कार्ड का नंबर मांगता है, मोबाइल लिंक इत्यादि जो नंबर मांगते हैं, ऐसे नंबर किसी भी व्यक्ति अनजान व्यक्ति को ना दें। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नालागढ़ से अमर गुज्जर की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।